प्लीज़ दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से एक 2 HP 1440 RPM की एक मोटर है, आप देख सकते हैं बहुत पुरानी मोटर हो चुकी है, थोड़ा सी कहीं इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर आ गया था और थोड़ा से जंग भी लगा है, तो जितना साफ हो सका है हमने साफ़ किया है इसको। और इसमें किस प्रकार से पेपर लगेंगे इसका पूरा डाटा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो मैंने इसको पटरी के माध्यम से नापा है, तो इसकी स्लॉट की लंबाई जो है मैं देख रहा हूँ, देखिए आप, मैं स्लॉट की लंबाई नाप के आपको बताता हूँ। तो इसकी स्लॉट की लंबाई सही से नहीं आ रहा लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्लॉट की लंबाई हमारी 8 सेंटीमीटर है और हमारा जो आउटर डाया है वह है लगभग 20.5 सेंटीमीटर और इनर डाया है 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मैं आपको पूरा डाटा इसका दे देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमने इसको पूरी तरह से इसका पूरा डाटा लिख के रखा हूँ और ये डेल्टा कनेक्शन में है, आप देख सकते हैं इसकी स्लॉट संख्या 36 है, स्लॉट लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसका आउटर डाया जो है आप देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर है और इनर डाया देखिए आप 13 सेंटीमीटर है। इस मोटर को हम रिवाइंड करने के लिए जो भराई करेंगे, हमारा रनिंग कॉइल का जो डाटा है तार नंबर 19 से है और एक कॉइल वजन हमारा पड़ता है 380 ग्राम और इसकी जो भराई करेंगे हम 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, हमारा 1 से 4 में 34 टन पड़ेगा, 1 से 6 में 38 टन, 1 से 8 में 49 टन और 1 से 10 में 22 टन। फिर आता है हमारा स्टार्टिंग कॉइल का, तो आप देख सकते हैं स्टार्ट कॉइल के लिए मैंने तार नंबर इसका जो लिया है 24 नंबर और इसका एक कॉइल वजन आएगा 121 ग्राम और इसकी जो भराई होगी 1 से 5, 1 से 7 और 1 से 9। 1 से 5 में हमारा 27 टन रहेंगे, 1 से 7 में 38 टन और 1 से 9 में 49 टन। तो दोस्तों इसका पेपर मैंने काट लिया है, पेपर दिखाइए, पेपर मैंने काट लिया है, 8 सेंटीमीटर इसकी स्लॉट की लंबाई है और इसको पेपर को मैंने लगभग 8.2 पेपर दिखाइए आप एक बार इधर सीधा करके, तो इसका पेपर का साइज हमारा 8.2 सेंटीमीटर और 2 mm, मतलब 8.2 सेंटीमीटर मैंने इसका पेपर काटा है, नहीं सॉरी यार मैं गलत बोल गया हूँ, तो मेरा 8 सेंटीमीटर स्लॉट की लंबाई है, तो मैं इसका जो है 1 सेंटीमीटर 2 mm इस पेपर को बड़ा रखूँगा क्योंकि हमें पेपर को मोड़ना भी है। तो देखिए आप जो है ये पहले का जो पेपर लगा है आप देख सकते हैं इधर से और इधर से भी मुड़ा हुआ है, तो इसको मोड़ रखने के लिए मैं 1 सेंटीमीटर और 2 पॉइंट लेके इसका जो है पेपर बड़ा कर दिया हूँ और किस प्रकार से हम पेपर लगाएंगे अभी आपको दिखाएंगे। ये हमारा पेपर देख सकते हैं, गिनिए भैया कितना है, 36 पेपर काटे हो ना, ठीक है ये हमारा पेपर PVC पेपर 10 नंबर। इस प्रकार से अब इसको हम स्लॉट में अच्छे से लगाएंगे। दोस्तों अब देख चुके हैं मैं 2 पेपर लगा चुका हूँ और तीसरा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से पेपर को हम लगाते हैं। चलिए भैया लगाइए पेपर, आप अच्छे से घुसाइए, आप स्लॉट के अंदर डालिए, हाँ डालिए, एकदम सीधा गोल जाना चाहिए, ठीक है हाँ अच्छा है ठीक है, उधर भी दिखा दीजिए, उधर भी दिखा दीजिए किस तरह से पेपर लग रहा है हमारा। तो देख सकते हैं आप देख सकते हैं ये देखिए पेपर हमारा बहुत अच्छा से लगा है और इसी प्रकार से मैं स्लॉट में सारे पेपर को इंस्टॉल कर दूंगा और आप देख सकते हैं हमारा जो पेपर हम मोड़ने के लिए कह रहे थे आपको तो देख सकते हैं कि हमारा ये पेपर देखिए मुड़ के लगा है ना, तो मुड़ के लगा है देखिए आप, हल्का से गैप है और इतना ज़रूरी भी है और उधर से भी देख लीजिए, चलो उधर भी देख लीजिए, तो पेपर हमारा अच्छे से लग गया, बहुत अच्छा पेपर लगा है, तो आप भी इसी तरह से पेपर लगा सकते हैं। और हमारे जो वीडियो बन रहा है इसका मैं 2 पार्ट में डालूँगा,
ये हमारा पहला पेपर पार्ट वन होगा, इसका डाटा और पेपर, और दूसरा वीडियो हमारा पार्ट टू होगा जिसमें इसकी हम जो है भराई करेंगे, किस प्रकार से हम कॉइल बनाएंगे, किस प्रकार से उसको इसमें इंस्टॉल करेंगे, उसके बारे में मैं पार्ट टू की वीडियो में अपना वीडियो डालूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर भी करना, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल पे बेल आइकन की जो उस बटन होती है उसको आप प्रेस जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।